Hello friends, welcome again in my YouTube channel. I'm back with a new lesson today, and this lesson will be the most important, okay, for those who wants to learn how to speak in English. Okay, after learning these rules, I'm confident that you all will be able to speak English fluently, because these rules will be very important for speaking. Okay, so I have a request before learning this chapter. If you haven't learned these chapters from 1st to 10th, so at first you should learn these chapters. But don't worry if you haven't learned these chapters. So for learning this chapter, you should have no any confusion, and you will no have any confusion for learning these chapters. Okay, because this chapter is not related to these chapters. So I think you will be able to understand this chapter without learning these. Okay, so let's start and let's have a look what is this chapter and which types of sentences we have to study in this chapter, so that we all will be able to speak English very fluently. So let's have a look. So friends, this is the chapter, some special spoken translation. This chapter is the 11th chapter. Okay, isse pehle humne jo hai 10 यानी 10 चैप्टर तक पढ़ लिया है, ये हमारा 11वां चैप्टर है. ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप इस सब रूल को पढ़ लीजिएगा, इस चैप्टर में जो है हम टोटल 43 रूल्स पढ़ेंगे. कितने? 43. और 43 वो 4300 के 4300 रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. ये वीडियो मैं आपको दो पार्ट में बताऊंगा. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको टू पार्ट्स में लेके आऊंगा. ये हमारा पहला पार्ट चल रहा है, इसमें मैं आपको 21st रूल तक बताऊंगा. उसके बाद 22nd से लेकर के 43 तक आपको जो है सेकेंड पार्ट बताऊँगा. तो इसको हम बढ़िया से याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमें जो है पूरा इंग्लिश बोलने में काम आएगा. ठीक है, देखते हैं हमारा पहला रूल क्या है. जाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, खेलना पड़ता है. ठीक है, या खेलना है, पढ़ना है, इस तरह के सेंटेंस अगर आते हैं तो आपको जो है देखिए इत्यादि क्रियाओं का अनुवाद इस प्रकार से बनाया जाता है. ये हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे. ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे यहाँ पे, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड यूज करेंगे. यानी ये सेंटेंस जो है ये टू प्लस वी वन जब भी लग जाता है ना, तो वो सेंटेंस इन्फिनेटिव बन जाता है. क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव, यानी टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव का काम करने लगता है. ध्यान रखेंगे, तो कभी भी ये जितने भी सेंटेंस आएंगे सब बोलने वाला है. ध्यान दीजिएगा, मुझे कल पटना जाना है, उसे जाना पड़ता है, नहीं होता है, ये सारी चीजें हम लोग बोलते रहते हैं. ये आम बोलचाल वाली ये सभी जो है सेंटेंस आएंगे, इसलिए मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है और ये इंग्लिश बोलने में काम आता है. जैसे मुझे कल पटना जाना है, तो सब्जेक्ट ले लिया हमने आई, हैव एज में से हैव, फिर टू, फिर उसके बाद वर्ब चाहिए ना, वर्ब वन, तो इसमें जाना है तो आई हैव टू गो टू पटना. कब? टुमारो, कल, तो कल के लिए लिख लिया हमने. मुझे अपने गांव में रहना पड़ता है, तो आई हैव टू लिव इन माई विलेज. उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, एक ही बात हुआ, ही हैज़ टू गो. ठीक है, यही सेंटेंस पास्ट में भी हो सकता है, जाना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, इत्यादि डॉट 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 यहाँ पे कर दिए हैं. यहाँ से इत्यादि डॉट डॉट का मतलब क्रियाओं का अनुवाद इस प्रकार बनाया जाता है. बार बार एक ही चीज़ को हमने नहीं लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा कि इत्यादि के बाद ये सारा चीज़ यहाँ पे है. तो ये पास्ट हो गया ना, तो पास्ट के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है. ये प्रेजेंट में हैव एज लगता है, तो बस पास्ट के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हैड कर लेंगे. बाकी सब वही रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड. उसे पैदल घर जाना पड़ा था, तो ही हैड टू गो टू द हाउस, पैदल के लिए ऑन फुट. नौकर को कमरा साफ करना पड़ा था, द सर्वेंट हैड टू क्लीन द रूम. मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ता था, नहीं ना, मुझे कल जाना था यार, मैं भूल गया, तो आई हैड टू गो. ठीक है, ये सेंटेंस आप याद कर लेंगे, बिल्कुल आपको जो है कंठस्थ याद कर लेना, बाय हार्ट इसको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये सभी जो है बोलने वाला सेंटेंस है. अगर आप ये टोटल 43 रूल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के माध्यम से, अगर सारा रूल याद कर लेते हैं, तो आप एकदम समझ लीजिए कि 50% इंग्लिश सिर्फ इसी रूल से बोलना शुरू कर दीजिएगा. ठीक है, बशर्ते आपको ये एकदम रन करते रहना चाहिए माइंड पे हमेशा, ये नहीं कि लगिएगा सोचने कि इसका रूल क्या था, तब तो फिर नहीं बोल पाइएगा. ठीक है, आइए देखते हैं, और बहुत सारे रूल मिलेंगे इसमें. जाना पड़ेगा, अभी हमने देखा ये प्रेजेंट में, पास्ट में, और ये फ्यूचर में. तो फ्यूचर के लिए क्या करना होता है, सेल विल लगाना होता है. बाकी रूल हमारा वही होगा, हैव हैज जो रहता है, क्योंकि अब तो यहाँ पे सिर्फ हैव लगेगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार तो सेल विल हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे. फिर उसके बाद हैव टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड. अभी टोटल रूल जो है टू प्लस वी वन यानी इन्फिनेटिव से ही आएगा. आपको मैं बता दूं कि ये एक चैप्टर के अंतर्गत आता है. इन्फिनेटिव जब चैप्टर पढ़ते हैं, ये कई चैप्टरों में से हमने निकाल करके एक अलग चैप्टर बनाया हुआ है. ठीक है, जिसको हमने स्पेशल स्पोकन ट्रांसलेशन का नाम दिया हुआ है इस चैप्टर का. यहाँ पे
सम स्पेशल स्पोकन ट्रांसलेशन, यानी स्पोकन में यूज होने वाला ट्रांसलेशन है, ठीक है। कई चैप्टर से हमने जो है इसको निकाला हुआ है, इन्फिनेटिव से, इन्फिनिट इम्फैटिक सेंटेंस से, ठीक है, और भी कई चीज़ों से मैंने निकाल के तब इसमें बनाया है। अभी तक फिलहाल इन्फिनेटिव चल रहा है, 2+V1 जब तक आएगा समझिएगा कि इन्फिनेटिव चैप्टर से चल रहा है। तो यहाँ पे है कुछ सेंटेंस, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू डू दिस वर्क, रूल पे चल रहे हैं। राजू को अपने गांव में रहना पड़ेगा, तो राजू और उसके साथ तो सेल विल में क्या लगेगा, विल लगेगा, तो राजू विल हैव टू लिव इन हिज विलेज। मोहन को कमरा साफ करना होगा, तो मोहन विल हैव टू क्लीन द रूम, ठीक है। तो ये तीन रूल हुआ, यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब देखते हैं दो थोड़ा अलग टाइप का आएगा, जाना पड़ सकता है, ये भी प्रेजेंट में ही है, बोलना पड़ सकता है, इसमें सकना आ गया, तो सकना के लिए हम लोग मे यूज करते हैं। कैन मतलब भी सकना होता है और मे मीन्स भी, तो मे जो होता है पॉसिबिलिटी के लिए आता है यानी संभावना, और कैन जब फिक्स रहता है तब, यानी जरूरी है कि जाएगा ही, जाना ही पड़ सकता है उसको, तो कैन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि जाना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, यानी सस्पेंस है, तो यहाँ पे मे ही यूज करेंगे। राजू को यह काम करना पड़ सकता है, रूल वही है, हैव हैज 2+V1 जो लगा रहे थे, बस अब यहाँ पे मे हो गया है क्योंकि सकना के लिए मे होता है, ठीक है, और कैन भी होता है, और मे और कैन सभी सब्जेक्ट के साथ लगते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है मे हर के साथ लगेगा, सभी के साथ। तो राजू को यह काम करना पड़ सकता है, तो राजू मे हैव टू डू दिस वर्क। उसे अपने गांव में रहना पड़ सकता है, तो ही मे हैव टू लिव इन हिज विलेज। तुम्हें रोना पड़ सकता है, तो यू मे हैव टू वीप। अब देखिए निगेटिव बन रहा है ये फिफ्थ नंबर पे, यानी जाना जाना है, पढ़ना है हमने बनाया था उधर, अभी आ गया कि जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें पास्ट भी था कि जाना था, तो जाना नहीं था हो सकता था ऊपर वाला में, फिर तीसरा में हमने पढ़ा था कि जाना होगा, तो जाना नहीं होगा ये भी हो सकता है। तो डायरेक्ट हम वहां पे नॉट लगा के लिख सकते हैं कि मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, अब मुझे नहीं जाना है तो आई हैव नॉट टू गो, वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन एक मैंने यहाँ पे और एक अलग से रूल लिख दिया है कि आप डू डज लगा करके भी आप बना सकते हैं, डू डज नॉट हैव टू करके, बस अब देखिए इसको मैं बना के बता दूंगा कैसे भी बना सकते हैं। जैसे इस रूल पे बनाते हैं हम, उसे कमरा साफ नहीं करना पड़ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में बना रहे हैं इसको, तो उसे के साथ ही हो गया ना, तो ही के साथ डज लगता है, तो ही डज नॉट हैव टू वी वन, इधर का पूरा रूल। अगर हम इसे चाहें तो जो हमारा पहला रूल था, एक बार दिखाते हैं फिर से, जाना नहीं पड़ता है मान लीजिए हो गया, तो यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस हैव हैज नॉट यहाँ पे लगा के बना सकते हैं ना, आई हैव नॉट टू गो टू पटना, यहाँ भी हैड नॉट, यहाँ भी सेल विल, यहीं पे नॉट लगा लेंगे, सेल विल नॉट हैव, ठीक है, फिर से आते हैं वहीं पे। तो ये जो है यहाँ पे हम चाहें तो इसको बना सकते हैं, ही हैज नॉट हो जाएगा ना, क्योंकि ही के अनुसार हैज लगेगा, तो ही हैज नॉट टू क्लीन द रूम, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन ये भी एक रूल होता है, मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आप मान लीजिए कि आपको जब इंग्लिश में बोलना होगा तो उस रूल पे अपना बना सकते हैं नॉट लगा के, लेकिन अगर कोई दूसरा ऐसे बोल दे तो उसका भी तो समझना है ना, तो इसलिए ये भी रूल हमें जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इसे भी लिख दिया है, ठीक है। मुझे अपने गाँव में नहीं रहना पड़ता है, तो आई डू नॉट हैव टू लिव इन माई विलेज, या ऐसे भी कर सकते हैं कि आई हैव नॉट टू लिव इन माई विलेज। राम को रोज स्कूल नहीं जाना पड़ता है, तो राम डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल डेली, यहाँ बोल सकते हैं राम हैज नॉट टू गो टू स्कूल डेली, बना सकते हैं आराम से, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ तक हुआ, आगे देखते हैं क्या आ रहा है। फिर आया तीन सेंटेंस, वहां पे था जाना है, जाना था, जाना होगा, अब ये आ गया जाने वाला है, जाने वाला था, जाने वाला रहूंगा, ये हो गया, ठीक है। ये भी तीनों टेंस में है, पहला दूसरा तीसरा रूल पढ़ा हमने, उसके बाद 6, 7, 8 पढ़ रहे हैं हम लोग, ये भी एक ही तरह का है, जाने वाला है, पढ़ने वाला है, वहां पे था कि जाना है, पढ़ना है, ये वाला वाला आ गया, या जाने को आ गया, ठीक है, सारा पढ़ लेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस 2+V1 से बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कल पटना जाने को है, तो वी आर टू गो टू पटना टुमारो, जैसे सब्जेक्ट हो गया, हम लोग के साथ आर लगाते हैं, तो आर फिर टू, क्योंकि इन्फिनेटिव से ही बन रहा है अभी तक, ठीक है, 2+V1 टू गो, और ये टू इसलिए लगा है क्योंकि किसी भी डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो टू लगाते हैं, टू पटना टुमारो। वे लोग अपना मकान बेचने वाले हैं, तो दे आर टू गो टू सेल देयर हाउस, वे लोग अपना मकान बेचने जाने वाले हैं या बेचने वाले हैं की बात हुआ, वह यहाँ आने को है, तो ही इज टू कम हियर, ठीक है, आराम से इसे जो है हम बना सकते हैं इस रूल पे। यही वाला रूल सेम है, पास्ट में हो गया है, तो एम इज आर के जगह पे वॉज वर्क करेंगे। देखिए याद करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम नहीं है, क्योंकि है तो सब एक ही, बस ध्यान देना है कि प्रेजेंट है तो एम इज आर, पास्ट है तो वॉज वर्क, और फ्यूचर रहेगा तो सेल विल करेंगे, एक ही आपको याद रखना है, बाकी तो ये खुद अपने आप जो है सोच करके माइंड से बना सकते हैं। जाने वाला था, पढ़ने वाला था, आने वाला था, जाने को है या जाने को था, देखिए वाला था या को था, एक ही बात हो रहा है, जाने को हूँ या जाने वाला हूँ, एक ही बात होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाने वाले थे,
तो द टीचर वॉज टू टीच इंग्लिश, वे लोग क्रिकेट खेलने को थे तो दे वर टू प्ले क्रिकेट, मैं अंग्रेजी बोलने को था तो आई वॉज टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इस तरह से हम बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आ रहा है, जाने को रहूंगा पढ़ने को रहूंगा, वही ये प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। देखिए किसी किसी मैंने पेज में दो रूल लिखा हुआ है, किसी पेज में तीन रूल लिखा हुआ है। पहला पेज में तीन रूल लिखा था मैंने क्योंकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एक जगह था इसलिए मैंने एक जगह किया था। दूसरा जो पेज में दिखा रहा था आपको उसमें दो रूल सिर्फ लिखा हुआ था, बोल्ड लेटर कर दिया था। फिर तीसरे पेज में मैंने 6, 7, 8 को एक साथ इसलिए एक ही पेज में रखा है क्योंकि आपका ध्यान एक ही बार में पड़े तीनों रूल पर और आपको समझ आ जाए कि ये प्रेजेंट का है और इसी का ये पास्ट है और इसी का ये फ्यूचर है। समझ रहे ना, समझते चलना है, ज्यादा याद करने की भी कोशिश नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है बस। तो ये खुद अपने आप रूल बना लेंगे, जब ये याद हो जाएगा तो ये खुद अपने आप सोच लेंगे आप ये भी हो सकता है क्योंकि फ्यूचर है। तो मैं जाने वाला रहूंगा तो आई शैल बी टू गो, शैल विल में से और बी टू प्लस वी वन। मोहन कल आने वाला होगा तो मोहन विल बी टू कम टुमारो। तुम बाजार जाने को होगे तो यू विल बी टू गो टू मार्केट, ठीक है। इस तरह से जो हमें सेंटेंस बनाने हैं, अगला देखते हैं क्या सेंटेंस आ रहा है हमारा, ये है देखिए वही रूल जो अभी अभी हमने पढ़ा, जाने को है, इसमें डबल एक ही शब्द को दो बार रिपीट कर रहा है, जाने जाने को है, मरने मरने को है, गिरने गिरने को है, जाने ही वाला है, पढ़ने ही वाला है, मरने ही वाला है। यानी जाने जाने को है उसमें हमें पढ़ा था कि जाने को है, जाने वाला है, इसमें क्या हो गया कि जाने जाने को है और जाने ही वाला है। दिखा दूँ एक बार, दिखा देता हूँ, देखिए जाने वाला है, जाने को है, अब इसमें क्या हो गया कि जाने जाने को है, रिपीट हो रहा है, और जाने वाला था वहां पे, जाने वाला है या जाने वाला था, लेकिन इसमें ही लग गया है यानी उस पर भी जोर दिया जा रहा है। तो जब जोर दिया जाता है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक न्यू वर्ड अबाउट ऐड करते हैं। देखिए ये सब्जेक्ट एम इज आर प्लस टू प्लस वी वन, इसका रूल था एम इज आर टू प्लस वी वन, लेकिन इसमें क्या हुआ अबाउट एक ऐड हो गया अलग से। तो ये जब रिपीट होगा तो आप अबाउट एक अलग से ऐड कर लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखना है। वह मरने मरने को है तो ही इज अबाउट टू डाई, गाड़ी आने ही वाली है, नहीं बोलते हैं ट्रेन आने ही वाली है यार जल्दी चलो स्टेशन, तो द ट्रेन इज अबाउट टू कम। वह रोने रोने को है तो ही इज अबाउट टू वीप। अब यही सेंटेंस पास्ट में इधर हो जाता है, जाने जाने को था, मरने मरने को था, मरने मरने को थी, जो भी हो, यह जाने ही वाली थी, जाने ही वाला था। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस ये पास्ट है तो वॉज वर्क कर लेना है। अबाउट तो हम जान ही गए हैं कि रिपीटेशन के लिए अबाउट एक न्यू अलग से प्रेपोजिशन यूज करते हैं, प्रेपोजिशन है, टू भी वैसे प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो अबाउट यहाँ पे यूज कर लेते हैं रिपीटेशन के लिए। वर्षा होने ही वाली थी, मैं इतना घनघोर घटा छाई थी कि लग रहा था कि वर्षा होने ही वाली थी लेकिन हुई नहीं या जो भी। तो इट वॉज अबाउट टू रेन, वह रोने रोने को थी, सी वॉज अबाउट टू वीप, मैं जाने ही वाला था कि तुम आ गए, नहीं बोलते हैं ये सारे बोलने वाला सेंटेंस है, मैंने पहले ही बोल दिया आपको, मैं जाने ही वाला था कि तुम आ गए, अब कैसे जाऊं, तो आई वॉज अबाउट टू गो, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस हमें बनाते रहने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए रोने लगती है, हंसने लगती है, गाने लगती है, ये क्या हो रहा है, कोई काम कंटिन्यू हो जा रहा है यानी कोई काम शुरू हो जा रहा है। तो जब ये प्रेजेंट में होगा तो जानते ही हैं कि शुरू करने के लिए या तो स्टार्ट होता है या बिगिन होता है, तो हम बिगिन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। स्टार्ट यूज करेंगे तो फिर दिक्कत होने लगेगा, स्टार्ट एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ फिर दिक्कत हो जाता है, उसके बाद वाले वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ टू वाला हम लोग बना रहे हैं इसलिए बिगिन को लिखे हैं। तो बिगिन और बिगिन्स ये सब्जेक्ट के अनुसार काम करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वी वन और वी फाइव लगता है ना, तो वही है बिगिन बिगिन्स यूज करेंगे। फिर टू प्लस वी वन, इंफिनेटिव पे सारा चल रहा है, वी इंफिनेटिव से। लड़कियां वर्ग में बातचीत करने लगती हैं, तो ज्यादा हो गई लड़कियां तो गर्ल्स, बिगिन लेंगे ना, बिगिन टू टॉक इन द क्लास। लड़के वर्ग में हल्ला करने लगते हैं तो बॉयज बिगिन टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। मैं कभी कभी हंसने लगता हूँ तो आई के साथ भी बिगिन ही लगता है, ही रहता तो बिगिन्स कर लेते यहाँ पे। आई बिगिन टू लाफ समटाइम्स, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। यहाँ स्टार्ट अगर करते आप ना तो ये टू नहीं लगाना पड़ता, लाफिंग करना पड़ता है, आई स्टार्ट लाफिंग हो जाता क्योंकि स्टार्ट के साथ वी फोर लगता है, इसलिए मैंने स्टार्ट यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है जाने लगा पढ़ने लगा, यही सेंटेंस प्रेजेंट का इसी का पास्ट है ये, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि लगा है तो फ्यूचर है, जाने लगा पढ़ने लगा पास्ट है ये। सब्जेक्ट प्लस बिगैन, बिगिन का पास्ट बिगैन होता है, तो बिगैन टू बी वन, मेरी माँ कहानी कहने लगी तो माई मदर बिगैन टू टेल अ स्टोरी। लड़के धूप में खेलने लगे तो बॉयज बिगैन टू प्ले इन द सन। मोहन हंसने लगा, मोहन बिगैन टू लाफ, ठीक है। इस तरह से जो हम सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पढ़ता ही तो है, जाता ही तो है, करता ही तो है। ये देखिए ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट है,
उसी को इम्फैटिक बनाया गया है, एम्फसिस किया गया है इसको, ठीक है। यहाँ पे इम्फैटिक इसको बनाया गया है, यानी जोर दिया गया है, मैं पढ़ता हूँ ना, मैं किताब पढ़ता हूँ, और उसी को कह देंगे एक बार बोल करके, पढ़ता ही तो हूँ, नहीं होता है। एक बार कोई लड़का कह रहा है कि अरे मतलब कोई लड़का है कह रहा है कि मैं खाता हूँ, फिर उसी को बोलेगा मैं खाता ही तो हूँ, तो ये बात हो गया, ये वाला सेंटेंस। तो इसमें कुछ नहीं करना है, डू डज बस लगा देना है प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए डिड लगाना है, तो बाकी वही वी वन। अब देखिए यहाँ पे टू प्लस वी वन नहीं है, यानी इन्फिनेटिव जो था वो एक से लेके हमने 12 तक पढ़ा, अब इधर इन्फिनेटिव वाला नहीं आ रहा है। टू प्लस वी वन जब तक आएगा तब तक इन्फिनेटिव रहेगा। अब ये इम्फैटिक चल रहा है, यानी 13 नंबर से EMPHATIC इम्फैटिक सेंटेंस चल रहा है, अब ध्यान रखेंगे, यानी इस चीज़ को पढ़ना चाहिएगा। तो इम्फैटिक चैप्टर जब आप पढ़िएगा ग्रामर में, तो उस चैप्टर में ये चीज़ मिल सकता है। मैंने पहले ही बताया कि ये जितने भी मैंने रूल्स यहाँ पे निकाला हुआ है, ये कई चैप्टरों से मैंने निकाल करके आपके लिए लाया हुआ है, आपको इंग्लिश बोलने में आसानी हो ना, सिर्फ एक चैप्टर के माध्यम से जो आप आसानी से सीख लें, इसलिए मैंने इतना मेहनत करके आपके लिए ये चैप्टर निकाल करके लाया हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं, मैं हिंदी जानता ही तो हूँ, तो वैसे जनरली देखा जाए मैं हिंदी जानता हूँ, आई नो हिंदी हो जाता, लेकिन जानता ही तो हूँ उसके लिए सिर्फ डू और डज में से एक यूज करना पड़ रहा है, तो आई के साथ डू लगता है इसलिए डू लिखा, डज लगता तो डज भी लिखते। हम लोग पाठ याद करते ही तो हैं, तो वी डू रिमेम्बर द लेसन, वह मुझसे मिलती ही तो है, तो सी डज मीट मी, ऐसे कर लेंगे। यही सेंटेंस है, पास्ट में हो गया है, तो बस पास्ट के लिए डिड कर लेंगे, सेम रूल। तुम मुझसे मिले तो थे, तो यू डिड मीट मी, उसने मुझे लिखा तो था, ही डिड राइट टू मी। ये भी बात ध्यान रखना है कि डू डज डिड के बाद हमेशा वी वन ही आता है, ये नहीं कि यहाँ पे वी फाइव कर लेंगे, या पास्ट है तो वी टू कर लेंगे, मेट रोट ये सब कर लेंगे, नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। डू डज डिड के बाद हमेशा वी वन आता है, इसलिए वी वन यूज हो रहा है। उसने मुझे लिखा तो था, ही डिड राइट टू यू, तुम्हें है तो यू, वह मुझसे मिलती तो थी, तो सी डिड मीट टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जाऊंगा ही पढ़ूंगा ही, यही वाला है, फ्यूचर में हुआ है इसका, तो उसके लिए डू डज डिड फ्यूचर के लिए नहीं बनता है, फ्यूचर में इम्फैटिक बनाने के लिए श्योरली या फिर सर्टेनली यूज करना पड़ता है हम लोगों को, ध्यान रखेंगे इस वर्ड्स को। दोनों में से कोई एक, मैं जाऊंगा ही, तो आई के साथ शैल, दोनों में से कोई एक ले लेंगे, आई शैल श्योरली गो। वह गीत गाएगी ही, सी विल श्योरली सिंग अ सॉन्ग। वे लोग खत लिखेंगे ही, तो दे विल श्योरली राइट अ लेटर, ठीक है। इस तरह से जो हमें ये सेंटेंस भी बना लेने हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जाता रहता है, पढ़ता रहता है, लिखता रहता है, बोलता रहता है, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग तीन रूल का यूज कर सकते हैं। ये भी कंटिन्यूटी दर्शा रहा है, ठीक है ना। देखिए सब्जेक्ट प्लस गो या गोज, ऑन वी फोर प्लस अदर वर्ड, या किप्स भी कर सकते हैं, ऑन वी फोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑन आप चाहे तो लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऑन नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा, तो भी सेंटेंस सही रहेगा। कभी कभी हो सकता है कि किसी जगह पे आपको ऑन न मिले तो भी सही रहेगा, वो उसका गलती मत काट दीजिएगा आप। अब देखिए इसे हम कंटिन्यू से भी बना सकते हैं, कंटिन्यू या कंटिन्यूज, ये सब्जेक्ट के अनुसार काम करेगा, लेकिन एक बात याद रखना है कि गो और कीप का यूज करिएगा तो आपको वी फोर लगाना पड़ेगा, कंटिन्यू के साथ टू लगाना पड़ेगा, टू प्लस वी वन, इसी बात को ध्यान रखना है। तुम हमेशा बोलते रहते हो, तो यू ऑलवेज गो ऑन स्पीकिंग, एक वाला से बना लिए, फिर से बनाते हैं, यू ऑलवेज कीप ऑन स्पीकिंग, तीसरा से बनाते हैं, यू ऑलवेज कंटिन्यू टू स्पीक, बन गया तीसरा, दूसरा है सॉरी सेंटेंस। वे लोग दिन भर घूमते रहते हैं, तो दे गो ऑन वॉकिंग होल डे, दूसरा से दे कीप ऑन वॉकिंग होल डे, दे कंटिन्यू टू वॉक होल डे। लड़कियां हैं तो गर्ल्स गो ऑन टॉकिंग, कीप ऑन टॉकिंग और कंटिन्यू टू टॉक, ठीक है। ये प्रेजेंट का है, इसी का पास्ट नीचे आ रहा है, देखिए ये रहा पास्ट हमारा, जाता रहा, पढ़ता रहा, लिखता रहा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें क्या है कि वेंट ऑन जो गो था वो वेंट हो गया, जो कीप था वो केप्ट हो गया, जो कंटिन्यू था वो कंटिन्यूड हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि गो गोज कर रहे थे, तो अब पास्ट का वी टू तो एक ही ना होता है वेंट, तो वेंट किए हैं, कंटिन्यूड किए हैं, इस तरह से बनाएंगे। दिन भर पानी पड़ता रहा, तो एक से बनाते हैं, पहले इट वेंट ऑन रेनिंग होल डे, फिर केप्ट ऑन रेनिंग होल डे, फिर कंटिन्यूड टू रेन होल डे। अब ये भी हो गया, हम लोग अंग्रेजी सीखते रहे, वी वेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश, केप्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश, कंटिन्यू टू लर्न इंग्लिश, और ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, आप इसे जो है तीनों रूल पर बना लेंगे, ठीक है।
खैर आगे भी मैं तो एक्सरसाइज दूंगा ही बनाने के लिए। अगला देखते हैं हमारा रूल क्या आ रहा है, पढ़ता ही रहता है। देखिए यही वाला रूल सेम, जाता रहता है जाता रहा, इसी को फिर एक बार और इम्फेटिक बनाएगा, जाता रहता है तो जाता ही रहता है यहाँ पे जुड़ेगा, ये जाता रहा तो जाता ही रहा जुड़ेगा। देखिए ध्यान से, जाता ही रहता है आ गया ना, और जाता ही रहा वही सेम जो हम लोगों ने पढ़ा 16 17, वही 16 का ये है 17 का ये है आपका। ठीक है देखते हैं, पढ़ता ही रहता है खेलता ही रहता है, तो इसके लिए डू डज नथिंग बट का यूज करते हैं। ठीक है फिर वी वन लगाते हैं, जैसे तुम पढ़ते ही रहते हो तो यू डू नथिंग बट रीड, राम खेलता ही रहता है तो डू डज ही लगाना है क्योंकि प्रेजेंट में डू डज ही लगता है ना, तो डज नथिंग बट प्ले ये हो गया, डज नथिंग बट वीप इस तरह से बनाएंगे। अब पास हो जाएगा तो डीड कर लेंगे, बस रूल एक ही है। देखिए अगर ध्यान से पढ़ते चलिएगा ना तो आराम से जो है आप इसे याद कर सकते हैं, एक याद करिएगा दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि बस प्रेजेंट और पास्ट का तो ध्यान रखने हैं। आप इसका जो है पढ़ते समय स्क्रीन शॉट लेकर के मोबाइल में रख सकते हैं, या इसको जो है आप नोट्स भी बनाते चलेंगे अपने कॉपी में, नोट्स बनाते चलेंगे और पाँच पाँच सिर्फ रूल याद करिएगा आप एक दिन में। मैं तो सिर्फ पाँच पाँच बनाऊंगा तो और भी मतलब ज़्यादा पार्ट बन जाएगा, इसलिए पाँच पाँच मैं बना भी नहीं सकता, दो पार्ट में करके मैं इस वीडियो को लेकर आऊँगा इस चैप्टर को। तो आप एक ही दिन में पूरा याद मत करिएगा, ठीक है आप पांच पांच रूल बस याद करिएगा, एक दिन में पांच रूल लिखिएगा कॉपी पे, फिर उसको याद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद दूसरे दिन याद करिएगा, थोड़ा टाइम लीजिएगा। ठीक है एक ही दिन में याद करिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, याद भी नहीं हो पाएगा अच्छे से। ठीक है देखते हैं ये डीड नथिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो डू डज, पांच हो गया तो डीड, बाकी तो वही है ना। रमेश पत्र लिखता ही रहा, मतलब वह लिखने के सिवा और कुछ नहीं किया, रमेश डीड नथिंग, रमेश ने कुछ नहीं किया बट राइट लेटर, लेकिन पत्र लिखता रहा, इसका मीनिंग ऐसे भी निकलता है। वे लोग खेलते ही रहे, दे डिड नथिंग, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, दे डिड नथिंग बट प्ले, खेलते ही रहे। मैं पढ़ता ही रहा, डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया लेकिन पढ़ता ही रहा, उसी तरह से ये भी अर्थ निकलता है इसका कि यू डू नथिंग, तुम कुछ नहीं करते हो बट रीड, सिवाय पढ़ने के। ऐसे भी कोई पूछ देगा कि वो पढ़ने के सिवाय कुछ नहीं करता है, तो वो पढ़ने के सिवाय कुछ नहीं करता है यानी क्या, यही वाला रूल है। अब उस समय कन्फ्यूजन मत पड़ जाना कि लो ये तो अलग पूछ दिया, वह पढ़ने के समय कुछ नहीं करता है यानी ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है बट रीड, लेकिन पढ़ता रहता है। तो ये भी सोचने हैं, कॉमन सेंस भी यूज करने हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा घुमा के कोई पूछ दे तो टाइम टाइम फिश, ऐसे भी नहीं करने हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, ये हमारा लास्ट रूल होगा आज का। पानी ही पानी है, बालू ही बालू है, दुख ही दुख है, धूल ही धूल है, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग देयर का सहारा लेंगे, देयर इज नथिंग बट, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव जो भी आएगा उसको हम लिख देंगे, बाकी कुछ आएंगे तो लिखेंगे नहीं तो छोड़ भी देंगे। जैसे वहां पानी ही पानी है तो देयर इज नथिंग बट क्या चीज, वाटर, तो वाटर लिख लिए, फिर कहाँ पे, तो वहां पे देयर लास्ट में लिख लिए। देयर का प्रयोग हम लोग पढ़े हैं ना कि जो शुरू में देयर आता है वो सब्जेक्ट के लिए, जो लास्ट में आता है वो प्लेस के लिए यानी वहां के लिए। ये देयर बता रहा है कि वहां, और ये देयर क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं बता रहा है, ये सिर्फ सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। ठीक है इसका हमने यूज बताया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देयर का प्रयोग देख लेंगे, इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में आपको देयर का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है सारे चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे, हर नेक्स्ट वीडियो में जो है पिछले सारे वीडियोज के लिंक जो है आपको मिलते जाएंगे। ठीक है देखते हैं नेक्स्ट, छात्र जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तो देयर इज नथिंग बट, छात्र जीवन में देयर इज नथिंग बट ट्रबल, ठीक है ट्रबल इन द स्टूडेंट लाइफ। ठीक है तो इस तरह से जो है इस तरह के सेंटेंस को बना लेंगे। मैंने दो दो तीन तीन एग्जाम्पल भले ही लिखा हुआ है, आप तो हजारों एग्जाम्पल बना सकते हैं ना अपने से, यह सिर्फ यही बात आपको नहीं ना बोलना पड़ सकता है, आप इंग्लिश में जब किसी से बातचीत करिएगा तो कुछ भी बोलना पड़ सकता है, बालू कहना पड़ सकता है, घर कहना पड़ सकता है, लोग ही लोग कहना पड़ सकता है, अपने हिसाब से यूज करते चलने हैं यानी कॉमन सेंस को जो है यूज करते रहने हैं। ठीक है ना देखिए आज का लास्ट रूल इस हम लोग के पार्ट का, इस वीडियो के पार्ट का, कभी डॉट डॉट कभी का अनुवाद नाव डॉट डॉट नाव से बनाते हैं यानी नाव से हेल्प लेंगे। सीता कभी नाचती है तो कभी गाती है, तो नाव सीता डांसेज, नाउ सीता डांसेज, नाउ सी सिंग्स, सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बना लिए हैं, और कभी के लिए हमने नाउ सिर्फ यूज कर लिया है। तुम कभी आते हो तो कभी जाते हो, तो नाउ यू कम नाउ यू गो, वह कभी पढ़ती है कभी लिखती है, तो नाउ सी रीड्स नाउ सी राइट्स। ठीक है तो ये थे हमारे जो है आज के इस चैप्टर के जो पहला पार्ट है उस पार्ट में 21st रूल हमने जो है स्टडी किया, आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे आप समझिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, और इसका नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है और हमने जो है 1 to 21st रूल हमने इस पार्ट में पढ़ा, अगले पार्ट में हम जो है 22 से लेकर के 43 तक जो इसका पार्ट होगा, जो
खत्म हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, वो मैं लेके आऊंगा, ठीक है। तो इस पर फिलहाल जो है जितना हमने पढ़ा इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आप इसे बना करके प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए रहा सेंटेंस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मुझे घर जाना है, उन लोगों को अपने गांव में रहना पड़ता है, मोहन को कल पटना जाना था, दीपा को कमरा साफ करना पड़ा, गीता को एक पत्र लिखना होगा, हमें अपने घरों में रहना होगा, नौकर को कल बुलाना पड़ सकता है, भारत को आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ सकता है, देखिए रहे हमारी चल रहा है, मोहन कल आने वाला है, मेरा बेटा सोने वाला था, मोहन आने ही वाला था, तुम्हारी माँ रोने लगी, हम लोग अंग्रेजी सीखते ही तो हैं, मैं कल पटना जाऊंगा ही, वह दिन भर क्रिकेट खेलता रहा, मोहन दिन भर पढ़ता ही रहता है, वहाँ सिर्फ धूल ही धूल है, यहाँ पानी ही पानी है, वह कभी आती है तो कभी जाती है, तुम कभी पढ़ते हो तो कभी पढ़ाते हो। ये सारा सेंटेंस जो है मैंने सीरियल नंबर से लिखा है, जैसे जैसे मैंने एक दो रूल हमने पढ़ाया इसमें, उसी तरह से आगे पढ़ते हुए मैंने ये सारे सेंटेंस को भी लिखा हुआ है, आप याद करते चलेंगे धीरे 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 धीरे, ये भी सारा बनाते रहेंगे, सब बन जाएगा आराम से। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप डायरेक्टली जो है कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। एक चीज़ और कि अगर आप इन सारे वीडियोज़ का अगर आप PDF चाहते हो, PDF, तो आपको PDF भी जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक मोबाइल नंबर दूंगा, कमेंट में आप लिखिएगा, मैं आपको मोबाइल नंबर दूंगा, उस मोबाइल नंबर पर आपको पेटीएम करना होगा, और पेटीएम आपको जो है 50 का करना होगा, एक नंबर होगा उस नंबर पर 50 का पेटीएम करिएगा, आपको हर एक चैप्टर्स का जो है PDF आपको मिल जाएगा आसानी से आपके मोबाइल पे। अगर आप आपको करना क्या है कि उस नंबर पर 50 का पेटीएम करना है, फिर उसके बाद उस पेटीएम का जो आप पेटीएम करिएगा या फ़ोनपे या गूगल पे कोई भी कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट जो है एक व्हाट्सएप नंबर जो मैं दूंगा उस पर आपको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देने हैं, फिर आपको जो है आपके मोबाइल नंबर पे PDF चला जाएगा, ठीक है। ये वीडियो के लास्ट में चलते चलते वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा वर्ड मीनिंग आज का, हमने 190 तक कर लिया है, 191st से इसमें स्टार्ट हो रहा है। देखिए पहला वर्ड है हमारा आइटिनररी। आइटिनररी जो होता है ये यात्रा विवरण होता है, यानी जब हम कहीं यात्रा करने गए रहते हैं और यात्रा से जब आते हैं तो उस समय हम अपने यात्रा के बारे में बताते हैं दोस्तों को, तो आइटिनररी कहलाता है। बाइलैटरल है, देखिए बड़ा यूजफुल वर्ड है ये, नहीं ठीक ये यूज होने वाला वर्ड है, तो इसे हम लोग यूज करते हैं द्विपक्षीय के लिए, बाइलैटरल, और यूनिलैटरल जो होता है एक पक्षीय के लिए होता है। सफल है, फ्लैक्सिबल है, ये दोनों वर्ड लचीला के लिए यूज होता है, नहीं बोलते हैं कि बड़ा फ्लैक्सिबल है ये, कहीं भी फिट बैठ जाता है। गॉबल, भकोसना या जल्दी जल्दी आवाज करके खाने को भी हम लोग गॉबल बोलते हैं, वर्ब वर्ड है। नेक्स्ट है चैप, नाउन वर्ड है, किसी लड़के को बोलते हैं ओ चैप इधर आओ, ना कोई लड़का होता है उसको बोलते हैं ओ बाबू लड़का, तो उसी तरह से इंग्लिश में हम लोग चैप भी कह सकते हैं उसको। एक होता है चैपल, एक तरह के वर्ड है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चैपल जो होता है पूजा घर या गिरजा घर, किसी के भी घर में छोटा एक पूजा घर बनाया गया रहता है उसको भी हम चैपल कह सकते हैं, या गिरजा घर को भी चैपल बोलते हैं। अब ये वर्ड आ रहा है, देखिए ये CH से था तो इसको च पढ़ा गया और इसको यहाँ पे श पढ़ा जा रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो मैं ये सारे वर्ड को नहीं लिखता, ये डिफरेंसेस दिखाने के लिए मैंने जो है इस वर्ड को भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ इस वर्ड को जो हम स पढ़ते हैं, बाकी हर जगह CH को चाहिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सैपरोन, सैपरोन जो है चौकसी करने वाली स्त्री को बोलते हैं, नहीं होते हैं कि कोई घर है या कोई मान लीजिए कोई संस्था ही है तो संस्था में किसी स्त्री को रख दिया गया है कि आप इसको देखभाल करते रहिएगा, तो उस स्त्री को हम लोग सैपरोन बोलते हैं, ठीक है। सी इज अ सैपरोन ना ऑफ दिस क्यूरेटर, ये मतलब जो भी हो ऑफिस वगैरह कोई भी। तो ये एक वर्ड आ रहा है चैपलिन, चैपलिन का मतलब ईसाई पुरोहित, जो मंदिरों में और फिर गिरजाघर में वो सब नहीं रहते हैं, जो पता नहीं उन लोगों को पोप जो होते हैं जिसे साधु महात्मा होते हैं उसी तरह के, तो ईसाई पुरोहित को हम लोग बोलते हैं चैपलिन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट मतलब होता है अंतर दर्शन करना, यानी किसी के मन में घुस के उसके मन के बातों को जान लेना या कुछ अनुभव कर लेना, उस बात को हम लोग बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो है ये 10 न्यू वर्ड्स रहा। एक बार फिर से अगर आपको जो है हमारे किसी भी वीडियो के PDF चाहिए तो आपको जो है कमेंट में बस बताना है कि हमें PDF चाहिए, मैं आपको एक मोबाइल नंबर दूंगा, उस मोबाइल नंबर पे आपको पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कोई भी कर सकते हैं, 50 का आपको करना होगा, और उस जो आप पे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट जो है उसी मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पे जो आपको सेंड कर देने हैं। फिर आप जिस चैप्टर का चाहिएगा उस चैप्टर का जो है आपको पार्टिकुलरली एक एक चैप्टर का आपको 50 का करना होगा, फिर उसके बाद जो है आपको उसका PDF आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा उसी व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11 का Part 1 वीडियो, और Part 2 बहुत ही जल्द आपके लिए लेके आऊँगा मैं, और इसको तब तक आप याद कर लेंगे और बताएंगे कि हमारा ये वीडियो जो है
कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा और कितना जो इससे सीख करके आप अपने दोस्तों के बीच इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय दोस्तों।